एवरीवन, मैं हूं गौरव आर्य। आपके लिए लेके आया हूं नई वैकेंसी की अपडेट, जो कि बहुत अच्छा गुड न्यूज है। गुड न्यूज पे गुड न्यूज आ रही है नए ईयर पे। आपके अगर तैयारी अच्छे से किए हो तो आपको ये सारी वैकेंसी एकदम अच्छे से एकदम भरनी चाहिए। और ये देखिए, SBI ने वैकेंसी निकाल दी है क्लर्क के लिए और 9633 पद के लिए वैकेंसी। इसके बारे में पूरी बात करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 100 मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप मेरे बहुत ज्यादा गोल्डन बोलेंगे, आप मेरे गोल्डन सब्सक्राइबर हैं, जो कि आपने इस चैनल पे भरोसा किया और इस चैनल को आगे तक बढ़ाने में हमारी मोटिवेट किया। तो मैं बात करूंगा आज SBI की वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा गुड न्यूज है। कोई भी लड़के अगर बैंक की तैयारी कर रहे तो उसके उसको SBI में प्लेस होना सबसे बड़ा गोल अपना लाइफ का एम मानते हैं। तो SBI की वैकेंसी है, तो ये जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो उसको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। और आगे मैं बताऊंगा कैसे फिल करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, सारी अपडेट, क्या क्या चेंजेज आई है, सारे बारे में बात करूंगा। पूरे वीडियो देखें, एकदम लास्ट तक वीडियो देखें और सारा कुछ इसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैनल की QR कोड है, यहाँ से आप वीडियो आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लो और हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ और वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले पाओ। और घंटी के बटन को भी दबाने मत भूलना। तो देखिए यहाँ पे आई हुई है SBI की वैकेंसी, अभी तुरंत आई हुई है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ, कोई भी चैनल पे अभी आई हुई नहीं है। कल से यानी 20 से लेके 10 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। फॉर्म की है तो यहाँ देखिए वैकेंसी की लिस्ट है, अहमदाबाद से है 500, ठीक है। और जनरल की है 255, OBC की 135 और बाकी यहाँ पे देख लो 3575। अमरावती से है 400, ठीक है। आप अपने अपने कैटेगरी के देख लो, बेंगलोर के हैं 100, भोपाल के हैं 512, छत्तीसगढ़ के हैं 288, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल से 612, OBC के 134, जनरल के 308। और बंगाल में कोई नहीं है, भुवनेश्वर रीजन के हैं। देखिए ओडिशा से है 550, अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू, ये सब में कम कम वैकेंसी, हरियाणा से कम वैकेंसी आई है इस बार। चंडीगढ़ से बहुत कम वैकेंसी है, नहीं के बराबर है, 10 वैकेंसी है। पंजाब से 54 है, पंजाब वाले लड़के यहाँ से फिल कर सकते हो, आपको अदर स्टेट जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ही रहता है हर बार करीब करीब। चेन्नई में 346 है, चेन्नई पांडेचेरी वाला अपने स्टेट में ना हो, दिल्ली वाले थोड़ा उसकी वैकेंसी कम है। तो दिल्ली वाले आप देख लो कि आपको UP से भरना है कि कहाँ से भरना है, इसके बारे में बात करूंगा। आप कहाँ से भरोगे तो आपका कट ऑफ का मैं एनालाइज करके बताऊंगा लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। हैदराबाद से 110, जयपुर से 200, राजस्थान वाले अपने स्टेट में रहोगे तो ठीक रहेगा आपको, आमने सामने कहीं पे वैकेंसी नहीं है ज़्यादा। केरला वाले भी अपने स्टेट पे रहोगे, देखो लखनऊ दिल्ली जो यूपी वाले हैं, यूपी में है सबसे ज़्यादा वैकेंसी, हर बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा यूपी में ही रहती है। तो ये 885 दिल्ली वाले यहाँ एक ऑप्शन देख सकते हो, यूपी वाले तो नो डाउट यहीं से भरेंगे। मुंबई वाले में बहुत अच्छी वैकेंसी है, महाराष्ट्र वाला कोई भी है, महाराष्ट्र गोवा से, तो ये महाराष्ट्र प्रीफर करें, मुंबई रीजन से फॉर्म फिल करें। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आसाम में, जो कि 66 है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले आसाम प्रीफर करेंगे और वहाँ का आपको सबसे पहले देखना है कि लैंग्वेज आपको क्या लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और बिहार और झारखंड वाले पटना रीजन से आप भर सकते हो, जो कि 109 है OBC की और 407 है टोटल, 229 जनरल की है। तो जनरल की हो गई 3788, ये ST की है, SC की है, ये OBC की है, टोटल है 7200। और भी कुछ कुछ बैकलॉग वगैरह वैकेंसी है, मिला के हो जाता है 9633, ठीक है। तो आप कल से ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन का जो है 3 साल रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा, यहाँ रिजर्वेशन आप जिस हिसाब से मिलता है उसी हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलती रहेगी। आपको एज क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए, 20 से लेके 28 साल होने चाहिए। ST SC को 5 साल रिलैक्सेशन है, OBC को 3, PWD जनरल को 10 और PWST SC को 15। और पर्सन फ्रॉम डोमिसाइल जम्मू कश्मीर स्टेट का 1 से 1980 और 1989 तक 5 साल का दिया गया उनको। देखिए अब एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम का प्रोसेस ये है कि ये है प्री इंग्लिश, चेंजेज यहाँ पे हुई है, सब में लगा दिया गया है घंटा, 20-20 मिनट का ड्यूरेशन लगा दिया आपको, 20 मिनट के अंदर इंग्लिश करना, 20 मिनट के अंदर मैथ्स करना, 20 मिनट के अंदर रीजनिंग करना, ये चेंजेज आइए, एक एक घंटा में 100 क्वेश्चन है ये आपको देखना है।
यह मेंस के है, मेंस के जो लास्ट ईयर की थी फॉर्मेट, उसमें खाली कंप्यूटर को हटा के रीजनिंग एबिलिटी में जोड़ दिया गया। और जनरल फाइनेंस में है 50 नंबर का क्वेश्चन और ड्यूरेशन 35, जनरल इंग्लिश में 40, ये मेंस की है। अगर आप प्री पास करते हो तो 35 मिनट की है ड्यूरेशन। मैथ्स में दिया गया 45 मिनट, 50 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर मिलाकर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और ड्यूरेशन है 45 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट की है ये मेंस। तो आपको अपने हिसाब से भरना है कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो बस यही है अपडेट इसका। और ये जान लो कि एग्जाम कब होगी। फी है एसटीएससी के लिए 100 रुपया, जनरल और ओबीसी के लिए 600, और सारे स्टेट में आप भर सकते हो, हर स्टेट में हर जगह एग्जाम होगी। तो आप देख लेना नोटिफिकेशन अच्छा से, ठीक है। और है, और एग्जाम कब होगी, मार्च अप्रैल के महीने में होगी। एग्जाम में बताने भूल गया, ये देखिए ये अप्रैल प्रीलिमिनरी कब होगा डाउनलोड, देखिए 1-3 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो मेन एग्जाम भी 26/4 को दिया गया है। मेन इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन फ्रॉम 26 को कुछ डेट है, आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छा से। थोड़ी मैं हड़बड़ी में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अच्छा से अपने हिसाब से देख लो। ये सारे है कि आप यहाँ यहाँ से भर सकते हो, ठीक है। आप ये फॉर्म जरूर फिल करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।